हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ प्रिया भार्गव. टुडे वी आर गोइंग टू डू अ सब सेक्शन ऑफ यूनिट वन. यूनिट वन इज़ फ्रॉम ब्लॉक फोर, एमपीसी 004, दैट इज़ एमएपीसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस. एट प्रेजेंट न्यू सिलेबस हैज़ कम एंड इन दैट सिलेबस दे हैव जस्ट कंपाइल्ड ऑल द 16 यूनिट्स इन अ सिंगल बुक इंस्टेड ऑफ मेकिंग फोर बुक्स. सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस unit would be 13th one. So let us start with the subsection. I have already covered some of its part, like definition of the group. I have finished important features of the group and characteristics of the group. This I have done in one video. This is the second one where we are going to study about group formation and related theories. So let us start with the topic. Before I start, I would like to request you guys to subscribe to my channel, share my videos with rest of the students, and do like and comment. So let us start with the topic. Also, if possible, please do not skip the ads, since that benefit would go to underprivileged students. So आज हम जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे ग्रुप फॉर्मेशन एंड रिलेटेड थ्योरीज़. ग्रुप कैसे बनता है, ग्रुप के बनने के क्या क्या कंसर्न्स हमें ध्यान रखना है, और उससे रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज आई हैं. तो पहला है, ग्रुप फॉर्मेशन इज़ कंसर्न विद ग्रुप क्यों बनाया जाता है. ग्रुप बनाते टाइम हमें किन चीज़ों पे, किस चीज़ के लिए कंसर्न होते हैं हम. पहला है मैनर इन विच द ग्रुप्स फॉर्म, किस तरीके से ग्रुप बनाए गए हैं. सेकंड, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ द ग्रुप, किस तरह का स्ट्रक्चर है ग्रुप का और उसमें कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होंगे या कौन किस तरह से पूरा प्रोसेस चलेगा ग्रुप के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है. सपोज़ आप ग्रुप बनाने वाले हैं तो आप किन चीज़ों पर ध्यान देंगे. आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि किस फॉर्म में ग्रुप बनाया गया है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ग्रुप का, यानी कि उसमें क्या सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ दी जाएंगी एंड कौन हेड होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा ये, एंड देन उसमें क्या क्या प्रोसेसेस चलेंगे वो सब, एंड फंक्शन ऑफ द ग्रुप इन डिफरेंट सिचुएशंस. ग्रुप क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा अलग अलग सिचुएशंस में, ये हमें कंसर्न्स रखने होते हैं जब हम कोई भी ग्रुप बनाते हैं. आजकल व्हाट्सएप ग्रुप भी बड़ा कॉमन चीज़ हो गया है, फेसबुक ग्रुप. सो ये हर एक ग्रुप में किस तरह की चीज़ें होती हैं वो बताया गया है. 5 स्टेजेस हैं ग्रुप डेवलपमेंट के. जब ग्रुप बनता है तो कौन कौन सी 5 स्टेजेस हैं जिससे वो पास होता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, ये एग्ज़ाम में आता है. पहला है फॉर्मिंग. इसमें क्या होता है, पहले तो कन्फ्यूजन होती है और अनसर्टेनिटी होती है कोई भी जब ग्रुप बना होता है कि क्या करेंगे ग्रुप में, क्यों बनाए, कैसा. एंड फिर ये ओरिएंटेशन पीरियड माना जाता है जहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से को जानने की कोशिश करते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन ग्रुप में शेयर करते हैं. इनिशियल स्टेज जब ग्रुप की होती है उसमें सारे मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और अपने आपस में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, एक दूसरे से ये सीखते हैं कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. तो ये फॉर्मिंग का प्रोसेस होता है. दूसरा है स्टॉर्मिंग. स्टॉर्मिंग ये इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होंगे मेंबर्स के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इसीलिए नाम है स्टॉर्मिंग. सो बहुत सारे ऐसे बातें सामने आएंगी मेंबर्स के थ्रू कि उनके कंसर्न्स क्या है, वो कुछ चीज़ों में क्रिटिसिज्म भी शो करेंगे. इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, मतलब लोगों के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कुछ डिस्कशंस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, और जो ओपिनियंस है वो भी डिफर करेंगे, और फिर ग्रुप का क्या गोल है वो इमर्ज होना शुरू हो जाएगा. जब स्टॉर्मिंग का प्रोसेस चल रहा होता है तब बहुत ज़रूरी है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको टाइम लेके क्लियर किया जाए और गोल्स को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए. थर्ड स्टेप ग्रुप में होता है नॉर्मिंग. इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लोग समझना शुरू कर देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं क्या डिफरेंसेस हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन को शेयर करते हैं. रेस्पॉन्सिबिलिटी सारे मेंबर्स में डिवाइड हो गई होती है और ग्रुप जो होता है वो अपनी प्रोग्रेस को इवेलुएट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो अपनी प्रोग्रेस को कैसे इवेलुएट करेंगे. देन जो ग्रुप है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेगा, एक पैटर्न किस तरह के से काम होगा उसको ये लोग डिसाइड करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे. उनकी जो एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे से वो उसको आर्टिकुलेट करेंगे, उनको लिस्ट डाउन करेंगे कि भाई हमारी ये एक्सपेक्टेशन है इस ग्रुप से. एंड देन जो बाकी के ग्रुप के मेंबर्स हैं वो उनको उनके क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या सोचते हैं, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा. देन नेक्स्ट है परफॉर्मिंग.
ये तब होता है जब ग्रुप मैच्योर हो गया होता है और उनको एक कोहेसिवनेस की फीलिंग आ गई होती है. कोहेसिवनेस मतलब कि हम एक हैं, यूनिटी वाली फीलिंग आने लगती है कि हम सारे मेंबर्स एक ही हैं, एक दूसरे की केयर करना शुरू करते हैं. तो मेंबर्स जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं रैशनल प्रोसेस के थ्रू. अपना उनका जो फोकस होता है वो गोल्स की तरफ होता है. इमोशनल इश्यूज़ को बीच में नहीं लाते हैं ये लोग उस टाइम पे. और जो इश्यूज़ हैं कि किसके क्या रोल होंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या नॉर्म्स है, वो अब इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा जैसे पहले के केस में हो रहा था. ग्रुप का जो फोकस होगा वो टास्क पे होगा और किस तरह से वो अपने गोल्स को एकम्प्लिश कर सकते हैं इफेक्टिवली उस पर होगा. नेक्स्ट है एडजर्निंग. मेंबर्स जो ग्रुप के होते हैं हमेशा उनको बहुत सैडनेस की फीलिंग आएगी जब ग्रुप बंद होने लगेगा, क्योंकि ग्रुप जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो पर्पस अचीव हो गया है. अब जब वो पर्पस अचीव हो गया है तो ऑब्वियसली जो ग्रुप है उसको डिसॉल्व करना ही होगा. तो जिस मकसद के लिए बनाया गया था ग्रुप, उसका काम हो गया तो ग्रुप को डिसॉल्व करना होगा. एंड उसकी वजह से सैडनेस भी आएगी मेंबर्स के बीच में, क्योंकि वो अब इतने कनेक्टेड नहीं रह पाएंगे. सो ये पूरे 5 स्टेजेस है जिससे कोई भी ग्रुप पास होता है. तो ग्रुप जो है वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अपने कॉमन गोल्स को शेयर करते हैं. ग्रुप से बिलोंगिंगनेस जो उनकी बनी हुई होती है उसको वो रिकॉग्नाइज करने लगते हैं. इनकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स और सोशल नीड्स होती है वो सेटिस्फाई करने में ग्रुप हेल्प करता है. देन अलग अलग पर्सन अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं ग्रुप में, और जो पर्सन एज अ लीडर जो सर्व कर रहा है और कुछ दूसरे जो होंगे वो उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से फॉलोअर्स होंगे. कुछ लीडर क्वालिटी वाले होंगे, कुछ फॉलोअर क्वालिटी वाले होंगे, तो उसी हिसाब से उनके रोल्स ग्रुप में होंगे. नाउ कमिंग टू थ्योरीज ऑफ द ग्रुप फॉर्मेशन. ग्रुप फॉर्मेशन के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज आई हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन सिंस इट इज़ हाईलाइटेड विद पिंक कलर. सो जहाँ पे भी आपको पिंक कलर से हाईलाइट मिले, मतलब कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और पहले भी आ चुका है. बहुत सारी थ्योरीज आई है, उनमें से 3 थ्योरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि क्लासिक थ्योरी. क्लासिक थ्योरी जॉर्ज होमन्स ने दी थी और इन्होंने ये बोला था जो ग्रुप डेवलप होता है वो एक्टिविटीज़, इंटरेक्शन और सेंटीमेंट्स की बेसिस पे ही डेवलप होता है. यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. तो जब भी कोई इंडिविजुअल शेयर करता है कॉमन एक्टिविटीज़, उनका इंटरेक्शन बढ़ जाता है और उनमें एक एटीट्यूड आ जाता है, चाहे तो पॉजिटिव चाहे निगेटिव एक दूसरे के प्रति. तो ग्रुप में मेंबर्स का एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है. और मेन एलिमेंट जो इस थ्योरी में है वो है इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल. इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट करते हैं. सेकेंड थ्योरी है सोशल एक्सचेंज थ्योरी, जिसको अलग अलग तरीके से अलग अलग डिज़ाइन से अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो पढ़ते हैं हम. पहले भी हमने कॉस्ट एंड बेनिफिट के ऊपर पढ़ा था, आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये थ्योरी ये बोलती है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिलेशनशिप इस बेसिस पे बनाते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंजेस होना ज़रूरी है. और म्यूचुअल बेनिफिशियल एक्सचेंजेस कब होते हैं? बेनिफिशियल एक्सचेंज मतलब एक दूसरे का भला करना, एक दूसरे का कुछ फ़ायदा करना. ये तब हो पाता है जब उनमें ट्रस्ट होता है और उनको ऑब्लिगेशन लगता है. ऑब्लिगेशन का मतलब जब किसी ने मेरे लिए कुछ काम किया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्लिगेशन. तो वो होता है तभी हम एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल काम कर पाते हैं. जो परसेप्शन है कि एक्सचेंज रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं अगर पर्संस जो होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं. तो जब लोग आपस में अट्रैक्टेड होते हैं और किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो जनरली पॉजिटिव होती है. नेक्स्ट थ्योरी है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, जो एग्ज़ाम में आ चुकी है. इसमें ये कहा गया है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सेंस ऑफ आइडेंटिटी फील होती है. उनका सेल्फ एस्टीम जो है वो उनकी मेंबरशिप पे डिपेंड करता है कि उनकी ग्रुप में किस तरह की मेंबरशिप है. तो जब वो ऐसा सोचते हैं कि वो किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उनका सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है. सो जैसे ग्रुप जो है वो डेमोग्राफिकली, कल्चरली और ऑर्गेनाइजेशनली बेस्ड होता है. ये 3 चीज़ें ग्रुप में मिलती हैं और इसी वजह से जो भी उसका मेंबर है उसको सेंस ऑफ आइडेंटिटी फील होती है. जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है जो ग्रुप परफॉर्म करता है वो होती है डिसीजन मेकिंग की. सो जब डिसीजन पीरियड चल रहा होता है तो मेंबर्स कन्वे करते हैं वाइड रेंज ऑफ व्यूज़. तो ये किस तरह से होता है? ये 2 फेजेस में होता है.
ये ऊपर की थ्योरीज खत्म हो गई, अब ये नया टॉपिक है डिसीजन मेकिंग का, तो आप इस थ्योरी में ये चीज़ें मत डाल देना। तो डिसीजन मेकिंग में दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज है डिस्कशन। पहले फेज में डिस्कशन चलता है मेंबर्स के बीच में, जो हेल्प करता है स्ट्रेंथन करने में, जो भी उनके पॉपुलर जो भी व्यूज होंगे, सबसे ज़्यादा लोगों ने जो अपने आइडियाज दिए हैं, जो सबसे पॉपुलर आइडिया है उसको स्ट्रेंथ मिलती है जब डिस्कशन होता है। और वो इस तरह का पॉइंट होता है जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथन हो जाता है, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और वो वाला पॉइंट कभी रिवर्स होता भी नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स आर विद दैट थॉट। सेकेंड फेज होता है करेक्ट सिचुएशन या डिसीजन विच अल्टीमेटली इमर्जेस इन दी फोर फ्रंट, जो डिसीजन सबसे सबके सामने आया है, जहाँ पे हम डिसीजन ले चुके होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स। ग्रुप प्रोसीजर में बहुत सारे आस्पेक्ट देखे जाते हैं, जैसे फॉलोइंग ऑफ प्रोसीजर्स, जो भी प्रोसीजर चल रहे हैं उनको फॉलो करना, एंड एड्रेसिंग इट्स मैनेजिंग इंटरेक्शंस अमंग मेंबर्स, जो भी मैनेजिंग इंटरेक्शंस हैं उनको एड्रेस करना। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पेशली इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स, जिनको मैं कहूँगी ग्रुप में, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं और वो मेजॉरिटी को हमेशा ज्वाइन करते हैं, सो दैट उनका जो डिसीजन लिया गया है वो सही डायरेक्शन में जाए। 10 रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं ग्रुप को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 रूल्स कौन से हैं जिन जो हमेशा किसी ग्रुप के को गवर्न करते हैं, ग्रुप को चलाने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे, जैसे हम ग्रुप किस वजह से बनाते हैं, हम सोशलाइज होने के लिए बनाते हैं, हम पैसे अर्न करने के लिए भी बना सकते हैं, हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो भी हमारा ग्रुप बन जाता है, हम म्यूज़िक सीखते हैं तभी भी बन जाता है, इवन दुनिया को बदलने के लिए भी ग्रुप बनते हैं। तो पहला रूल जो है, ग्रुप कैन अराइज फ्रॉम ऑलमोस्ट नथिंग, हो सकता है ग्रुप कोई भी कुछ भी ना हो तो भी अराइज हो जाए। तो जब हम ग्रुप बनाते हैं या कोई सोशल ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, हमारा जो थॉट होता है, हमारी जो डिज़ायर होती है ग्रुप बनाने की या ग्रुप ज्वाइन करने की, वो बहुत पावरफुल होती है। और ये एक ग्रुप बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रुप्स जो होते हैं बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट है हमारी सोशल आइडेंटिटी के लिए, जो कंट्रीब्यूट करता है कि हम कौन हैं। अगर हम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो हमें अपनी आइडेंटिटी मिलती है, हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी चीज़ से। तेजफल एटल 1971 में इन्होंने अपनी एक ग्रुप में मिनिमल ग्रुप्स पैराडिग्म, इसमें बताया था ग्रुप के बारे में। और उन्होंने जो स्टडी करी थी, उन्होंने ये देखा कि जो बॉयज़ हैं जो स्ट्रेंजर्स थे एक दूसरे के, लेकिन उनको थोड़ी सी हिंट दी गई थी कि वो दो ग्रुप्स में बांट दिए जाएंगे। पहले तो वो एक ही ग्रुप में थे, लेकिन उनको ये बोला गया कि उन्हें दो ग्रुप में बांट दिया जाएगा। इवन वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, कभी उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन मेंबर्स का ज़्यादा फेवर किया जो वो प्रीवियस ग्रुप में उनके साथ थे, और वो दूसरे जो ग्रुप में नहीं थे उनके साथ वो नहीं करना चाह रहे थे, मेंबर्स नहीं बनना चाह रहे थे। तो ये प्रूव करता है कि हम एक ग्रुप से चाहे जाने या ना जाने किसी को, लेकिन अगर हम उससे बिलोंगिंगनेस फील करते हैं तो हम उससे जुड़े रहना चाहते हैं। सेकंड रूल जो है वो है इनिशिएशन राइट्स इम्प्रूव ग्रुप इवेलुएशंस। जो भी एग्जिस्टिंग ग्रुप है, कोई भी दूसरे को फ्री में नहीं ज्वाइन करने देना चाहता। हर एक चीज़ की कॉस्ट होती है, तो कोई ग्रुप अगर अपनी वैल्यू को रखना चाहता है तो वो उसमें कुछ कॉस्ट लगाता है किसी नए मेंबर के लिए, जैसे कि मॉनिटरी कॉस्ट हो सकता है ना, पैसे देके ज्वाइन कर लो, या समटाइम्स इंटेलेक्चुअल भी होता है कि आप अपना नॉलेज बताओ कि आप कैसे हमारे ग्रुप के लिए हेल्पफुल हो। समटाइम्स फिजिकल भी हो सकता है कि आप कोई एक्टिविटी करके बताओ तभी हम आपको इसमें ज्वाइन करेंगे, या कुछ टास्क दे दिया जाता है। हमेशा इनिशिएशन राइट होता है ग्रुप में, जबकि हो सकता है वो बड़ा सामने वाले को बेइज्जती लगे कि भाई मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इतना काम पकड़ाया जा रहा है। एरोसन एंड मिल्स ने 1959 में एक एक्सपेरिमेंट में बताया, उन्होंने जो टेस्ट इनिशिएशन राइट्स के ऊपर एक स्टडी करी, और उसमें ये बताया कि जब एक ग्रुप जो विमेन का है उनको है ना सेक्सुअली एक्सप्लिसिट नॉवेल्स पढ़ने के लिए बोला गया, एक पैसेजेस पढ़ने के लिए बोला गया, ऐसी नॉवेल्स है जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट चीज़ें थी जिसमें, उन्होंने जब उनको बताया कि आप अब दो ग्रुप्स को रेट करो
एक जिसमें आपको बिल्कुल आराम से एंट्री मिल गई और दूसरा वो जिसमें आपको ऐसा टास्क दिया गया। तो उन्होंने उस ग्रुप को जिसमें ऐसा टास्क दिया गया था उसको उन्होंने हाई रेट किया। सो इसका मतलब ये होता है कि ग्रुप्स में चाहे आप कितना भी डिसगस्टेड फील करें, अगर आपको एंट्री के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन आप उसकी वैल्यू करते हैं, फिर उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। थर्ड रूल, ग्रुप्स ब्रीड कन्फॉर्मिटी। जो ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं वो एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं, होने चाहिए और होते हैं। और हमारे बिहेवियर्स को, जो जिस वे में हम हमारा बिहेवियर होता है उसको भी बेंड कर देते हैं, जो इसको हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते। सो एश ने 1951 में इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बताया, इन्होंने एक पार्टिसिपेंट्स जो हैं ग्रुप के, ही हैड पार्टिसिपेंट्स सिट अमंगस्ट अ ग्रुप ऑफ अदर पीपल। उसने अपने पार्टिसिपेंट्स को एक ग्रुप के लोगों के बीच में बिठा दिया। हु आर जजिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन, एक लाइन की लेंथ वो लोग जज कर रहे थे। तो उसमें इन्होंने कुछ कॉन्फिडेंट्स भी रखे थे, मतलब मिले हुए लोग। सो उस एक्सपेरिमेंट में उनको ये बताना था दो लाइनों में से कौन सी लंबी लाइन है। 76% पार्टिसिपेंट्स ने गलत जवाब दिया, ऑल बिकॉज दे वॉन्टेड टू कन्फर्म विद द ग्रुप। एक ग्रुप में कुछ अननोन लोग थे, कुछ नोन लोग थे। नोन लोग में कुछ ऐसे मिले जुले लोग थे जो झूठ बोल रहे थे, मतलब छोटी लाइन को बड़ा बोल रहे थे। और जब वो जो ये जो पहले से बैठे हुए लोग थे, मिले वाले लोग, एक्सपेरिमेंटर से जो मिले हुए थे, उन्होंने जब छोटी लाइन को बड़ा बोला, तो ये जो ग्रुप में बाकी लोग बैठे थे उनको लगा कि शायद कोई और तरीका होगा मेजरमेंट का, इसलिए छोटी लाइन को बड़ा कह रहे हैं। तो ये जो ग्रुप के लोग हैं, अननोन लोग, जो नए वाले लोग थे, उन्होंने भी उस छोटी लाइन को लंबा बोल दिया। और 76% पार्टिसिपेंट जो थे उन्होंने ऐसा किया। सो उनके उनसे जब रीज़न पूछा गया तो लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, बस उन्होंने इतना बहुत सारे रीजंस दिए, लेकिन एक कुछ ज़्यादातर लोगों ने यह आंसर बताया कि बहुत सारे लोग गलत तो नहीं हो सकते ना। सो दिस इज़ हाउ वी कन्फर्म विद द ग्रुप। रूल 4, लर्न द रोप्स और बी ऑस्ट्रेसाइज्ड। ग्रुप नॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परवेजिव होते हैं, यानी कि सबके ऊपर अप्लाई होते हैं। गारफिंकल ने 1967 में एक स्टडी करी और उन्होंने बताया कि एडोलेसेंट्स जब अपनी फैमिलीज के पास वापस गए और अपने कैरेक्टर से हटके उन्होंने एक्टिविटी करी, जैसे कि तभी बोलना जब उनसे बोलने के लिए बोला जाए, बहुत पोलाइट रहना और बहुत फॉर्मली एक्ट करना। बट ये लोग क्या करते हैं, कुछ 15 मिनट तक उन्होंने ऐसी हरकत, ऐसे बड़े डिसेंट से बने रहे, एंड देन 15 मिनट के बाद वो फिर बदमाशियों में उतर आए। सो उनके पेरेंट्स जो थे पहले बड़े खुश हो रहे थे, अरे हमारे बच्चे तो बड़े वो, एंड देन उन्होंने जब ये देखा 15 मिनट बाद वो बदतमीज़ हो गए, तो वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। तो वो शॉक्ड थे और बड़े गुस्से में भी थे, और उन्होंने बच्चों को एक्यूज़ भी किया इस बारे में कि बड़े सेल्फिश और रूड हैं ये लोग। सो ग्रुप रूल्स कभी कभी ब्रेक भी होते हैं, और ऐसा होता है, आप देखेंगे स्कूल में भी बच्चे करते हैं। रूल 5, यू बिकम योर जॉब। जो पीपल हैं उनके रोल होते हैं ग्रुप में, जितने भी मेंबर्स हैं सबके रोल होते हैं, और उस रोल के अकॉर्डिंगली कुछ रूल्स भी होते हैं जो उस पोजीशन को जस्टिफाई करता है। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ कि हमारा जो काम होता है, हम उसी के उसमें जो रूल्स लगते हैं हम उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और हम वैसे ही हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, दो ग्रुप में लोगों को बांटा, उनमें से कुछ को गार्ड बना दिया और कुछ को प्रिजनर्स बना दिया, यानी कि कैदी बना दिया। जो कैदी थे उनका काम था कि वो सहेंगे, जो भी उनको पनिशमेंट दी जाएगी वो बर्दाश्त करेंगे, और जो गार्ड्स थे उनका काम था कि खूब मारो और उनको बिल्कुल डोमिनेटिंग एंड बहुत ज़्यादा बहुत क्रूर रहो। सो जब ये ऐसा किया गया तो ये एक्सपेरिमेंट 14 दिन चलना था, लेकिन 6 दिन के अंदर ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया, ऑल बिकॉज जो गार्ड्स थे और जो गार्ड्स जो काम जिनको गार्ड बनाया गया था, वो जो काम कर रहे थे उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो किस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, और जो टॉर्चर हो रहे थे वो भी सबमिसिव रहे, उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो उनका जो टॉर्चर देख के जो प्रिजन सुपरिटेंडेंट बना था उसको भी गिव अप करना पड़ा अपना कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने रूल्स को फॉलो कर रहा था जो उन्हें ड्यूटी दी गई थी। रूल 6, लीडर्स गेन ट्रस्ट बाय कन्फर्मिंग। लीडर्स जो हैं वो हमेशा ग्रुप के साथ रहना चाहते हैं, तभी उनको इम्पोर्टेंस मिलेगी। ऐसे लोग ज़्यादा जल्दी लीडर बन जाते हैं जो उसी ग्रुप में से आगे प्रमोशन के थ्रू जाते हैं,
रादर जिनको ऐसे ऊपर से उठा के लीडर बना के डायरेक्ट बिठा दिया जाए। तो सब कुछ ग्रुप्स में ऐसे होता है कि ये अपॉइंट किए जाते हैं जो बाहर से कहीं से लाके, बट बहुत सारे ग्रुप्स में जो लीडर होता है वो धीरे धीरे रैंक प्रमोशन के बाद लीडर बनता है। जो प्रमोशन के बाद लीडर बनता है वो ज़्यादा एक्सेप्टेड लीडर माना जाता है। मैरी ने ऑब्जर्व किया था ये बच्चों में हंगेरियन नर्सरी स्कूल में। उन्होंने ये नोटिस किया कि सक्सेसफुल लीडर्स जो थे वो थे जो पहले ग्रुप में फिट हुए और फिर धीरे धीरे अपने सजेशंस देके उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को अडेप्ट किया, पुरानी जो एक्टिविटीज़ से उससे नए एक्टिविटी में लोगों को लेके आए, एंड देन वो धीरे धीरे एज अ लीडर स्टैब्लिश हो गए। तो ज़्यादातर जो चिल्ड्रन हैं उन्होंने उस लीडर को फॉलो नहीं किया वो जनरली जो एकदम से खड़ा कर दिया जाता है कि ये लीडर है, उन्होंने उसको ज़्यादा लीडर माना जो उन्हीं के बीच में से आगे बढ़ा है और जो कॉन्फिडेंट है, और उनको उसी के ऊपर कॉन्फिडेंस आया जिसको उन्होंने अपने बीच में से आगे बढ़ते हुए देखा। सेवेंथ रूल, ग्रुप्स कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। नॉर्मन ट्रिपलेट जो पायनियर है सोशल साइकोलॉजी के, वो उन्होंने क्या किया, साइकिलिस्ट जब रेसिंग करते हैं उस जब भी, इसका मतलब ये है कि अगर किसी के ऊपर वॉच रखा जाए तो वो बेटर परफॉर्म करता है। तो इन्होंने एक रेसिंग साइकिलिस्ट का एग्जांपल दिया है कि जो साइकिलिस्ट पेसमेकर लगा के साइकिलिंग करता है वो ज़्यादा जल्दी उसने रेस ख़त्म कर ली क्योंकि उसके ऊपर वॉच रखा जा रहा था पेसमेकर से। तो ये इफ़ेक्ट ऑफ कंपटीशन इसको कहते हैं। तो जब दूसरे लोगों के सामने हम कोई परफॉर्मेंस देते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी मेरिट्स पे हमें जज किया जाएगा। ग्रुप सॉरी रूल एट, पीपल विद लोफ। इसमें जो जो लोग हैं ग्रुप के वो बहुत सही अच्छी वाली कैपेसिटी अपनी दिखाते हैं लोफिंग की। जो पार्टिसिपेंट है टग ऑफ वार में, उसमें ये देखा गया कि जैसे जो पार्टिसिपेंट थे वो जब ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो अपने एफर्ट आधे ही दिखाते हैं क्योंकि जब टीम जॉब हो रहा होता है उनको मालूम है वो अकेले नोटिस नहीं होंगे और वो भीड़ में कहीं छुप जाएंगे, तो अगर वो आधा काम भी करते हैं तो भी उनको पकड़ना आसान नहीं होगा। तो जो टास्क जो होता है वो एडिटिव टास्क होता है, यानी कि ग्रुप में करने वाला टास्क होता है, तो सब लोग 100% अपना नहीं देते। क्योंकि हर एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन जज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। रूल 9, ग्रेपवाइन इज 80% एक्यूरेट। इसका मतलब है जो इंटेलिजेंस, र्यूमर, गॉसिप, ट्रिटल टैटल, ये बहुत सारे ग्रुप में बहुत कॉमन चीज़ है, मतलब चुगली मारना, अफवाहों को हवा देना, ये सारी चीज़ें, और ये चीज़ें बहुत तेज़ी से लोगों के बीच में किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में फैलती भी है, और लोगों को बहुत प्यार भी होता है अच्छी और गॉसिप वाली चीज़ों के बारे में। बट क्या लोग बोल रहे हैं इसके बारे में भी हम पता करना चाहते थे। तो एक एक्सपेरिमेंट सिमोन ने 1985 में किया और वो ये जानना चाहते थे वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के बारे में, और 80% टाइम लोग जो बात कर रहे थे वो काम के बारे में बात कर रहे थे, एंड दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि वो गॉसिप नहीं कर रहे थे, वो काम के बारे में बात कर रहे थे, और वो जो काम के बारे में बात कर रहे थे वो 80% एक्यूरेट बात कर रहे थे। रूल 10, ग्रुप्स ब्रीड कॉम्पिटिशन। जैसे कोऑपरेशन तो ग्रुप मेंबर्स में होता ही है और ये कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं है, लेकिन जो कोऑपरेशन ग्रुप्स के बीच में होता है, एक है ग्रुप के अंदर कोऑपरेशन हो रहा और एक होता है ग्रुप्स के बीच में कोऑपरेशन हो रहा। तो अगर दो ग्रुप्स के बीच में कोऑपरेशन होता है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यानी कि जैसे कि लोग इंडिविजुअली तो कोऑपरेटिव होते हैं लेकिन देम एंड अस की जब सिचुएशन आ जाती है ये बहुत ज़्यादा रिमार्केबली एडवर्सियल हो जाता है, मतलब कि ये ग्रुप को डुबाने वाली बात हो जाती है। जब दो ग्रुप के अंदर तो ठीक है कोऑपरेशन चलेगा, लेकिन दो ग्रुप्स के बीच में कोऑपरेशन नहीं होना चाहिए वरना बात बिगड़ भी सकती है। देम एंड अस वाली सिचुएशन में जब डाल दिया जाता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा एडवर्सिटी वाली बात भी बन सकती है।
सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, जहाँ मैंने आपको ग्रुप की थ्योरीज बताई एंड उसके रूल्स बताए. आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. बाय बाय.